वही काला ढूंगी में वन विकास निगम कर्मचारी संगठन पश्चिम क्षेत्र रामनगर के निगम कार्यों ने निगम परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है। इसी दौरान वन कर्मियों ने 1991 से सेवा लाभ के निस्तारीकरण के संबंध में विस्तार से सभी को जानकारी दी। हमारी ये मांगे हैं, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2091 का हमारा रिट दायर थी इलाहाबाद से, जो हम जीत गए थे पिपिल, उसके हमको सेवा लाभ मिल रहा था। सेवा लाभ मिलने के बाद हमने उत्तराखंड सरकार में 2023 में हम लोग सारे पिपिल हुए। पिपिल के बाद हमने रिट के हिसाब से हमको सेवा लाभ की परिस्थिति मिली, जो उत्तराखंड सरकार ने हमको दी, जिसका हम आपको एक कॉपी भी दे रहे हैं अभी। और उसी के तत्व में हमारे हाईकोर्ट में भी फैसला चल रहा है। फैसला न आने के बाद भी हमारे उप सचिव ने ये निरस्त कर दिया है, जिससे रोष है। हम लोग मतलब जो सब तो वेतन वृद्धि हो रही है उत्तराखंड सरकार में, हमको डाउन की ओर किया जा रहा है, जिसे मूल रूप से हम लोग मूल लोग से हम पैदल हो रहे हैं। और इसमें हमको आमरण अनशन या आत्मदाह भी करने पड़ेगी, हम तैयार हैं, क्योंकि हम वेतन के लाले पड़ रहे हैं। वैसे ही लोग तो घर को ले जा रहे हैं, हम पैदल हैं, कितने लोन लिए हैं, कई चीज़ें, बच्चों की राज्य नहीं है, और तो इसलिए हम इसमें बड़ा रोज है। उत्तराखंड सरकार कभी तो आदेश दे रही है और कभी ले रही है। तो सन 81-82 से वन निगम की सेवा करते हुए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जो आदेश हमको दिया था, उसमें 1991 से हमको जो है समान वरिष्ठता का लाभ दिया था, लेकिन आज यहाँ की गवर्नमेंट ने शासनादेश देने के बावजूद भी है इसको वापस ले लिया। इससे हम कर्मचारियों को काफ़ी जो है रोष है। हम लोग कुछ भी करना पड़े, हमको भले ही आत्मदाह करना पड़े, हमको भले ही हड़ताल करना पड़े, हमको कहीं और उच्च न्यायालय के कहीं शरण लेना पड़े, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन हम लोगों का इस क्या रिटायरमेंट के अवस्था में न कोई लाभ मिल रहा है। जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो गए हैं, उनकी ग्रेजुएटी रुकी पड़ी है, उनका इन्वेस्टमेंट रुका पड़ा है, सब आदमी अपने पैदल घर जा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, किसी को आज दिन तक मतलब जो है कोई न्याय नहीं मिला है, ना हमको कोर्ट से न्याय मिला है। वेतन हमारा पहले बढ़ा था, हमारा वेतन कम कर रहे हैं। आज तक वेतन कम नहीं होता, बढ़ना ही चाहिए। तो उसमें 91 वाला मैटर है, कोर्ट में भी चल रहा है। बीच में हमने शासन ने 1 फरवरी 2019 से दिया था, लेकिन वो शासनादेश को निरस्त कर दिया। इसी के उसमें क्या नाम कहते हैं, वेह में आज एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, और अगली रणनीति हमारे प्रांतीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर काम करेगी। ये हमारी है, क्योंकि हमारा वेतन कम हो रहा है। एक आदमी को वेतन में कम से कम 9,000 रुपये, और उसमें चिट्ठी भी है कि आपसे वसूली भी की जाएगी जो आप।